दोस्तों यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। बहुत खुशी की बात है कि यूपी बोर्ड का 10वीं का और 12वीं का यानी मैट्रिक का और इंटर का रिजल्ट आ रहा है। जस्ट कुछ ही दिन रह चुके हैं आने में, तो इस वीडियो में देखिएगा कि ऑफिशियल्स क्या कहते हैं कि कब तक आ सकती है और मीडिया का न्यूज क्या कहता है कि कब तक यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों यूपी बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, साल सेलेक्ट करने होते हैं, जैसे 2022 चल रहा है तो यहां तो 2022 रहेगा, और किस जिले में आपका एग्जाम हुआ है और आपका रोल नंबर क्या है, उसके बाद व्यू रिजल्ट करेंगे। हाई स्कूल का भी और इंटरमीडिएट का, दोनों का लगभग सेम फॉर्मेट है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा रिजल्ट देखने का। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा ज्ञान होने वाला है। ये तो मैंने इंटरफेस दिखा दिया है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आपके फायदे के लिए, आपके परिवार के फायदे के लिए और देश के फायदे के लिए वीडियो इसी चैनल पर लेके आता हूं। इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बेल आइकन जो है ऑन कर लीजिए। चलिए आपको और भी चीजें बताता हूं। ये तो मैंने इंटरफेस बता दिया है। 50 लाख के आसपास बच्चे अप्लाई करते हैं, इसीलिए यूपी बोर्ड ने 4 अलग अलग वेबसाइट दे रखा है। इन चारों वेबसाइट पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पहला है uprizults.nic.in, दूसरा है upmsp.edu.in, तीसरा है upmsprizults.up.nic.in और results.nic.in, इस पे भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। वैसे तो प्राइवेट के बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडिया रिजल्ट्स है, इस पे भी आप यूपी का रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन जो सरकारी और ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये 4 ऑफिशियल वेबसाइट है, एनआईसी यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो मैंने तो ये बता दिया कि आपको इन वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब स्टेप क्या होगा रिजल्ट चेक करने के लिए, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और वेबसाइट पे जाके दूसरे स्टेप में आप अपना क्लास चुनेंगे। अगर क्लास 10वीं है तो क्लास 10वीं चुनेंगे, क्लास 12वीं के आप है तो 12वीं चुनेंगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भरेंगे, रोल नंबर कैसे भरेंगे, पहले आप जिला सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद साल 2022 और उसके बाद रोल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद व्यू रिजल्ट देख लेंगे। अगला स्टेप में सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, चाहे तो आप भविष्य के लिए उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, वेबसाइट बता दिया कि कैसे आप चेक कर पाएंगे स्टेप वाइज, लेकिन कब आएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए इतने बच्चों ने इस बार बोर्ड की परीक्षा दिया है, कितना 51 लाख बच्चों ने इस बार एग्जामिनेशंस दिया है, 10वीं का भी और 12वीं का दोनों मिला के। तो मीडिया से बात करते हुए यूपी के अधिकारी ने बताया कि रिजल्ट बिल्कुल तैयार होने वाला है, कुछ ही दिनों में, या तो मई के अंत में या तो जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि मई के अंत में आ जाए, हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक में, यानी आप समझ लीजिए 20 मई से लेकर 10 जून के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। कब तक? 20 मई से लेकर 10 जून के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग सतर्क रहिए, अच्छी जगह न्यूज देखिए, और जो ऑफिशियल्स न्यूज होती है वेबसाइट के वही ऑथेंटिक मानी जाती है। तो ऑफिशियल वेबसाइट जितने भी है, जैसे मैंने बताया, इस पे अपडेट रहिए, मेरे चैनल पे भी अपडेट रहिए। ऑफिशियल जो भी न्यूज आएगी मैं आपको आसान भाषा में पढ़ के बताऊंगा। और ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।